मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मथुरा पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। नकली शराब पीने के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसी दौरान मथुरा के राया थाना क्षेत्र के चिकन गांव में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री के बारे में सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस दलबल के साथ पहुंचकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री का नजारा देख पुलिस की आंखें खुली रह गईं। इस नकली शराब की फैक्ट्री से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मौके का फायदा उठाकर दो आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस को 47 पेटी नकली शराब और 100 लीटर स्प्रिट, 6,500 खाली बोतल इस फैक्ट्री से बरामद की है। ये जनपद मथुरा में थाना राया के अंतर्गत अवैध शराब पकड़ने संबंधी अच्छी कार्रवाई हुई है। हमारे एसएसपी महोदय द्वारा जो डीजी महोदय के आदेशानुसार अभियान चलाया जा रहा है और हम लोग जिसको कार्यान्वित कर रहे हैं, उसके तहत एक अच्छी कार्रवाई इसको कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसमें 100 लीटर स्प्रिट भी बरामद हुई है। और अभी तक जो शराब पकड़ी जाती थी कहीं ना कहीं से हरियाणा मार्ग का या कोई अन्य अवैध रूप से लाई गई शराब होती थी, लेकिन इसमें ये कृत्रिम शराब बनाने के उपकरण कुछ उसके कृत्रिम शराब के लिए भरने हैं तो खाली क्वार्टर और इत्यादि सामग्री भी बरामद हुई है, जिससे इस पर प्रभावी अंकुश लगेगा अवैध शराब बनाने पर। ये नगला चिकन और श्रीधाम कॉलोनी जमुना पार में भी इसका अड्डा था, तो ये जो कार्रवाई हुई इसमें चार अभियुक्त पकड़े गए हैं, गंभीर रिंकू मुकेश और अमित। ये चार अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं। दो फरार हुए हैं, विष्णु और पंकज, इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और इनका आपराधिक इतिहास भी हमें मिला है और भी हम इसको छटवा रहे हैं। इन पर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। इस प्रकार जो कार्रवाई थाना राया पुलिस ने सीओ साहब के नेतृत्व में की है, एसएसपी महोदय के मार्गदर्शन में, उनके आदेशानुसार, तो इस पर एक बहुत बड़ी सफलता इसमें प्राप्त हुई है और हम इस पर गैंगस्टर आदि की कार्रवाई भी करेंगे, साथ में और भी संलिप्त व्यक्तियों का पता लगाकर इसी में ऐड करने पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस फरार हुए दोनों आरोपियों के बारे में जानकारी जुटा रही है और पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वे नकली शराब बनाकर महंगे दामों में बेचा करते थे। पुलिस ने इन नकली शराब माफिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इस मामले की आगे भी छानबीन की जा रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।